Start. हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर। ये साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबूराव जी है? हेलो जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति यस टीम टाटा सब मिलता, अगर थोड़ा जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है बाजू का ग्राउंड में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव जी। अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारा समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है? तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की, घर? जी घर। घर? एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। दिल दरिया, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है, मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बारह जाओ। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 दिन, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए, तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ला ना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए, तो 200 चलेगा। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा अब ये पैसा मैं कम लिया, वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5-स्टार होटल नहीं है। खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना, चल खोल दिखाता हूँ। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है? बाबा मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है। चल, और वो ऐसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना? जी। चल। ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है, और उसका टॉवेल टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आजा संडास दिखा तो। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के भाई, या गाना गा? तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी।